फ्रेंड, मैं कुमकुम पांडे स्वागत करती हूँ आप सबका रुचि भोज चैनल पर। आज हम बनाएंगे बहुत ही जल्दी बनने वाला गाजर का हलवा। इसे बनाने के लिए मैंने आधा किलो गाजर ले लिया है। अब इन सारे गाजर का हम छिलका निकाल लेंगे। छिलका निकालने के बाद इसको हम अच्छे से पानी से धो देंगे और धोने के बाद इन सारे गाजर को हम अच्छे से काट लेंगे। इस तरह से सारे गाजर के हम पीसेस काट लेंगे। ये बहुत ही जल्दी बनने वाला गाजर का हलवा है फ्रेंड। इसी बात पे मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और सारे गाजर को काटने के बाद मैं एक कुकर लूंगी और कुकर में सारे गाजर के पीसेस को मैं डाल दूंगी। इस तरह से कटा हुआ गाजर मैंने कुकर में डाल दिया है और यहाँ पर मैंने 1 कप फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल किया है। इसका ढक्कन हम बंद कर देंगे। कुकर का ढक्कन बंद करने के बाद इसको हम गैस पर चढ़ा देंगे और 4 सीटी लगा देंगे। और 4 सीटी लगाने के बाद इसका सीटी निकालने के बाद देखिए कुछ इस तरह का लगेगा। हमारा गाजर बिल्कुल पूरी तरह से पक गया है। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और अगर आपके पास मैशर हो आप मैशर से भी मिला सकते हैं। गैस पर फिर चढ़ाएंगे और इस बचे हुए दूध को सुखा लेंगे अच्छे से और इसको फिर से एक बार हम मिलाएंगे अच्छे से। और जब ये अच्छे से मिल जाए तो यहाँ पर हम बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डाला है और इलायची पाउडर डालने के बाद मैंने यहाँ पर 4 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। आप कोई सा भी मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिल्क पाउडर से गाजर का हलवा बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है। मिल्क पाउडर के कारण ही गाजर का हलवा बहुत जल्दी तैयार हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हमें दूध सुखाने का झंझट नहीं है। और यहाँ पर मैंने 1/4 कप शुगर का इस्तेमाल किया है। अगर आप ज़्यादा चीनी खाते हो तो आप ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। मिलने के बाद इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का लगेगा। देखिए पूरी तरह से दूध भी सूख गया है। अब इस स्टेज पे हम गैस को कर देंगे ऑफ और यहाँ पे 2 बड़े चम्मच हम घी डालेंगे। यहाँ पर मेरा घी पिघला हुआ नहीं है। अगर पिघला हुआ होता तो ये 2 चम्मच ही लगता। इन सबको हम मिला देंगे और यहाँ पर आप अपने पसंद के कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर काजू, बादाम और पिस्ता डाला है काट के। अगर आपका ऑयली स्किन है तो मुल्तानी मिट्टी और दूध पाउडर के फेस मास्क को बनाकर लगाकर देखिए, आपको फर्क नज़र आएगा।